नरेंद्र मोदी द्वारा यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी के ऊपर की गई अवैध टिप्पणी को लेकर रोष प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वे जल्द से जल्द यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे, नहीं तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी जिसकी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महिला के ऊपर अवैध टिप्पणी की है उससे उनकी मानसिकता नजर आती है और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए साफ नजर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक घोटालेबाजों की सरकार है और जनता इसका जवाब लोकसभा चुनावों में देगी। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है उससे उनकी मानसिकता छलकती है और साथ के साथ जो यह बौखलाहट है उससे साफ प्रतीत होता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा की हार निश्चित है। जैसे कि आज जो ये पुतरा दहन किया गया और साथ में जो रोष प्रदर्शन युवा कांग्रेस बिलासपुर के द्वारा किया गया है, वो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो हमारी यूपीए की अध्यक्षा हैं सोनिया गांधी जी, उनके ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसके लिए यह रोष प्रदर्शन और पुतला दहन किया गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो आने वाले आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा पूरी तरह से हार रही है और इस तरह की टिप्पणियां कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि जो भारत देश है उसमें 50% से ज्यादा महिलाएं हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी जी इस तरह की टिप्पणियां महिलाओं के ऊपर करते हैं तो इससे नरेंद्र मोदी जी और जो भाजपा सरकार है उनकी मानसिकता साफ झलकती है कि वो महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। आज लोग बात करते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, कोई बोलता है शिखर की ओर हिमाचल, कोई बोल रहा है शिखर की ओर भारत। अगर वो महिलाओं के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणियां हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे तो ये जो बात है ये सहनीय नहीं होगी। अगर नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर से यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से माफी नहीं मांगी तो युवा कांग्रेस प्रदेश स्तरीय आंदोलन करेगी और जिसका खामियाजा आगामी लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा।